हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? बहुत देर हो गई आज उठते उठते। तो आज है संडे, कल का आप लोग ने देखा ही था, जैसे कि हम लोग रात को आए थे, बहुत ही लेट हो गया था घूम घाम के, उसके बाद फिर आके सोने में, इसी वजह से आज थोड़ा लेट उठे हैं। अभी बज रहा है करीब 6, शायद 5:30, 6। हाँ, और अभी उठने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। आज वैसे भी हम लोग कहीं जा नहीं रहे, तो वैसे भी लेट हो गया तो और कहाँ ही जाएंगे। उठने के बाद अभी जैसे उठी तो मुझे अपने बेड पे एक बहुत ही अच्छा खाना मिला है। जैसे कि बोलते हैं मॉर्निंग में बेड टी, लेकिन मेरा मॉर्निंग तो है नहीं, अभी इवनिंग बेड पे जो खाना मिला है मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। तो ये रहा बेड पे पहला खाना, आया है ब्रेड ऑमलेट, और ये मेरे स्टाइल का, इसमें दूध अंडा और ब्रेड दिया तो हुआ है। दो वैरायटी में बनाया है मेरे शेफ ने मेरे लिए। हाँ, तो अभी ये आप लोग को तो दिखा दिया खाने में क्या है, क्या बनाया है। अभी जल्दी इसे खाना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मैं ब्लॉग दिखाती रह जाऊंगी तो बाद में मुझे खाने नहीं मिलने वाला है। फिर हम लोग का एक आदत है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो जल्दी से मैं देख लेती हूँ, जो वाला बड़ा है वही खाएंगे। देखिए पहले हम लोग का एकदम ये वाला या फिर वो वाला, नहीं जो बड़ा है वही लेंगे, ये खाते हैं, उसके बाद देखते क्या करते हैं, पूरा दिन कैसे निकलता है। आप लोग के साथ भी मिलते रहेंगे, पहले तो बेड पे ये खा लेते हैं। तो खाने के बाद मैं आई हूँ अभी किचन में, और ये देखिए किचन में क्या बन रहा है, करेले की सब्जी। तो ये कल के लिए शेफ क्या बन रहा है, करेले की सब्जी। हाँ, तो करेला क्यों बन रहा है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि कल सोमवार है और हम लोग वेज खाते हैं, जिसके वजह से करेले की सब्जी बनेगी, पालक की सब्जी बनेगी और केले बनाएंगे शायद। हाँ, केले की सब्जी बनेगी। ये तीन सब्जियाँ कल बनने वाली है, कल के लिए हम लोग आज ही बना देते, क्योंकि कल तो मॉर्निंग को फिर ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा उसका, तो पहले ही रात को ही वो पका के रख देगा कल के लिए। तो ये रहे हरे हरे पालक, ये रहे टमाटर, इधर रहा करेला, और यहाँ चिकन भी है जो आज के लिए बनेगा, वो चिकन फ्राई बनेंगे, वो कल के लिए नहीं। तो आज हम लोग कहीं कोई शॉपिंग नहीं करने जा रहे, रोज़ रोज़ तो नहीं जा सकते हैं, ये भी मैटर करता है ना, मतलब पैसे मैटर करता है, तो इसी वजह से आज हम लोग पूरा दिन रूम पे ही रहे। तो रूम पे ही क्या क्या करते हैं वही दिखाते हैं, क्योंकि अभी मैंने जैसे आप लोग को बताया टाइमिंग ऑलरेडी 5:30 के बाद हम लोग अभी स्टार्ट किए, तो इसी वजह से पूरा दिन तो सोने में निकल गया। अभी शाम को उठे हैं, खाना खाएँगे और उसके बाद शायद एक दो मूवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे। क्या क्या ऑयल? हाँ, आजकल हम लोग ना कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते थे और रिफाइंड मतलब वाइट ऑयल, लेकिन अभी बिल्कुल बंद। कल जैसे वेट देखा ना, वेट भी बढ़ गया है, तो हम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। जब भी मच्छी वगैरह बनाना होता है तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल पर ही बनाते हैं ना, लेकिन हाँ, लेकिन अभी ज़्यादातर सब्जी के लिए हम लोग आजकल कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। तो अभी 6 बज रहा है और अभी पूरा उजाला है बाहर, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ, तो ये हमारा बेलकोनी से नीचे दिखता है, ये आप लोग को दिख रहा है पेड़, ये है खजूर के पेड़, मतलब डेट्स का पेड़ भी है और पेड़ में लगा भी हुआ है वो, आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो। हाँ, और नीचे ये एरिया है, देखिए वॉक करने के लिए काफ़ी बड़ा है, मेरे जैसे आलसी इंसान के लिए नहीं, मतलब मैं तो कहीं भी सेम जगह, मतलब रहे या ना रहे मैं कहीं वॉक नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आके कभी कभी बैठ के मतलब वो बाहर का व्यू देखते हैं, अंधेरा होने के बाद तो कुछ नहीं दिखता है, मशीन चल रहा है तो सॉरी। यहाँ तो यहाँ करेले की सब्जी बन के रेडी हो गया है, और उसके बाद वो उधर पालक की सब्जी कटिंग हो रहा है। और क्या मैं बोलने वाली थी, हाँ, मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा शेफ बनने का इंटरेस्ट है, पता नहीं क्यों, अब उसको वो मौका तो मिला नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही मौका दे दूँ, है ना। तो इसी वजह से मैंने अपना परमानेंट शेफ रख लिया है अपने हस्बैंड को, तो अभी जितना मन तुम बनाओ, जो मन बनाओ, बस मुझे आराम से खिलाते रहो। क्या मैंने गलत डिसीजन लिया, देखो हुनर को क्या बोलते हैं ना, किरण खेर इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, हुनर को मतलब आने देना चाहिए, अंदर की हुनर को बाहर निकालना चाहिए, मौका देना चाहिए, मैंने मौका दिया है भाई, अब बनाओ जितना मन, इसका मुंह देख लिया। आलसी, आलसी हो गया। अच्छा,
अच्छा बेटा, मैंने यहाँ मौका दिया है तो कोई कदर नहीं है। हाँ, हुनर का वो दिखा रहे हो भैया। कौन बोला इंडिया ग्रोथ टैलेंट क्या क्या है? किरण खेर ने बोला है, लेकिन कोई नहीं, मैं दिल पे नहीं लेती हूँ, दे दिया है कर लो। क्योंकि दिल पे लेने से फिर कल से खुद को पकाना है ना। इसीलिए दिल पे नहीं लेता है। आप लोग से बाद में मिलते हैं, थोड़ी देर बाद। क्योंकि इसको पता है अब इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, इसी वजह से बाद में मिलते हैं। तो हमारा यहाँ पालक हो गया रेडी, अभी चिकन कट हो रहा है और फिर देखो काट रहा है, और इसके बाद धनिया काटने मैंने बोला है इसको। तो जब धनिया काटने बोला है तो मैंने बोला चुपचाप धनिया काटो, तो मेरे पति ने क्या बोला उसके रिप्लाई में वो आप सुनिए। कैसे काटेगा ये भी बताओ, कैसे काटोगे बताओ ना, अभी ऐसे क्यों हंस रहे हो बताओ। इसने मुझे क्या बोला है पता है, कि वो नाच नाच के काटेगा, ये है रिप्लाई। बोलते हैं कि मैं नाच नाच के काटूंगा, अब इसको शर्म आ रहा है बोलने में, इसी वजह से नहीं बोल रहा है। जिस दिन सामने से बोलेगा ना, मैं उसी समय वीडियो उठा के आप लोग को वो क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी। अभी वो मेरा वीडियो ऑफ था, उसका फ़ायदा उठा लिया है। जब करेगा ना फिर से ऐसा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। हंस रहा है ना, उसी में समझ में आ जाएगा आप लोग को कि हाँ। अच्छा और एक बात, अभी मैं ना हाल ही में, मेरा पति अभी मामा बना है, मतलब मेरी ननद जो मैंने गई थी, आप लोग ने ब्लॉग में देखा होगा, दो तीन पुराना ब्लॉग जिसमें मैं गई थी मेरी ननद से मिलने, वो बड़ी ननद जो मेरे हस्बैंड के बाद वाली है, उसका हाल ही में बेटी हुई है, मतलब हम लोग मामा और मामी बने हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हमारे में नियम है, अगर आपके घर में लड़का हुआ तो आपको मछली खिलाना होता है, और अगर लड़की हुई तो मिठाई बांटना होता है, मतलब खिलाना होता है। तो मैंने बोला, और मेरी मम्मी ने भी बोला, हाँ हम लोग ने ऐसे मजाक में बोला कि अभी तुम तो मामा बन गए, हमें मिठाई खिलाओ, और वैसे भी मुझे तो बहाना चाहिए कि मिठाई खाने के लिए। अब ये है कि मेरे को मिठाई नहीं खिलाया अभी तक। अब इसका आंसर आप खुद सुनो, जैसे कि अभी हाल ही में मेरी दीदी का, मतलब मेरी मामा की बेटी का ना एक बेटा हुआ है, तो मतलब मैं मासी हुई और वो मौसा, और मैंने ना मच्छी ला के खिलाया है मेरी मामा की बेटी का जब बेटा हुआ है, मतलब मेरा भांजा हुआ है, तो मैंने मछली ला के खिलाया है। अब इसको मिठाई खिलाने का जब टाइम आया ना, तो अभी देखो ये क्या कर रहा है, बोलो। चिकन पका के खिला रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये मिठाई नहीं खिलाएगा उसको, नहीं, पता है। खिलाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं खिलाऊंगा। मिठाई खिलाओ भाई, मामा बन गए हो। ठीक है, कल खिलाता हूँ कल। हाँ, मतलब फाइनली ब्लॉग में मैंने ये एडिट करवा लिया, जानबूझ के रिकॉर्ड किया है ताकि मुझे मिठाई खाने मिले। मिठाई खाने के भी 10 बहाने हमें चाहिए होता है। लेकिन फिलहाल अभी आइसक्रीम ही खा लेते, क्योंकि मिठाई तो अभी मुझे नहीं लग रहा है मिलने वाला है, इसीलिए आइसक्रीम खा लेते जल्दी से। ऑलरेडी खा लिया ना, मैं वीडियो दिखाती रह गई, खा लिया ना हमला। तो हम लोग ने अभी आइसक्रीम खा लिया है, और इसके बाद ही क्या लग गया। अच्छा, तो इसके बाद अभी हम लोग एक दो मूवी देखेंगे, क्योंकि अभी चिकन पक के आ जाएगा, उसके बाद खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो संडे का दिन हम लोग ऐसे ही बिताते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो पूरा दिन सोने में निकल जाता है, और उसके बाद उठ के शाम को हम लोग खाने में, मूवी देखने में, ऐसे बिता के सो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।